आज जस्ट कुक इट पे हम बनाने वाले हैं बच्चों के लिए चिल्ड्रंस डे स्पेशल बहुत ही यमी बहुत ही इजी डोरा केक रेसिपी। इसे बनाने के लिए हम डालेंगे 1 कप मैदा, 1/4 मिल्क पाउडर, 1/2 कप चीनी, 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 बड़ा चम्मच शहद। अगर आप चीनी कम पसंद करते हैं तो आप शहद की क्वांटिटी बढ़ाकर चीनी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अब इसमें हमने दूध डालना है तो दूध हमने यहाँ पर 3/4 कप लेना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इसे डालेंगे। पहले दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। एक साथ दूध डाल देने से ये होता है कि बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो सकता है, तो इसमें हम धीरे धीरे करके डालेंगे और इसे मिलाते रहेंगे, लगातार चलाते रहेंगे। हमने यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल करा, आप चाहें तो आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्वाद है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा और देखने में भी थोड़ा सा आटे का जो डोरा केक है वो हल्का सा गेहुआ रंग देगा। तो इसी तरीके से हमने जो है ये बैटर को बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी का स्मूथ कर लेना है बिना लम्स का। तो देखिए इस तरीके का बैटर बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए। तो डोरा केक की स्पेशलिटी ये है, अवन या माइक्रोवेव किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमने एक पैन लेना है, उसमें ज़रा सा तेल लगाना है और उसे इस तरीके से पोंछ देना है। तो हमें ये बार बार नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार करना है। और इसमें हम डालेंगे बैटर। जब बैटर डालेंगे तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि बैटर को करछी से या किसी भी चीज़ से फैलाना नहीं है, बस एक ही जगह आप बैटर को डालते रहिए, वो अपने आप जो है राउंड शेप ले लेगा और बैटर बिल्कुल स्मूथ और इवनली स्प्रेड हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम इसे डालेंगे तो बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस हमें मिलने वाली है केक की। आप हमारे चैनल पर और भी कई तरीके के केक्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं, इसकी लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बताइएगा कि आपको कौन सा केक सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो इस तरीके से इसमें जो है बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। हमें गैस हल्की रखनी है, इसमें ज़्यादा तेज़ गैस में इसे नहीं बनाना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। और जब इसमें ऐसे बबल्स आने लगे और किनारे जो हैं वो अपने आप सूखने लगे, तो हमने इसको जो है धीरे धीरे पील ऑफ करना शुरू करना है। तो इस तरीके से हमने साइड से जो है स्पैचुला की मदद से इसे उठाना है। और इस समय हम गैस को बिल्कुल ऑफ कर देंगे, वो इसलिए करेंगे ताकि जो टेम्परेचर है इस पैन में वो कंट्रोल्ड रहे और नीचे से जो हमारा केक है वो जल ना जाए। तो बस इतनी सी देर के लिए ही हमने इसे ऑफ़ करना है जितनी देर हम इसे पील ऑफ कर रहे हैं, उसके बाद फिर से गैस ऑन कर देंगे और हमने इसे पलट लेना है। तब तो आप देखिए कितनी आसानी से जो है ये निकलने लग जाएगा अपने आप, और कुछ इस तरीके से हमने इसे ऐसे टर्न कर देना है। कितना बढ़िया और स्मूथ टेक्सचर आया है इसका। सो ये बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है एगलेस केक बनाने का, एंड बहुत ईजी है, क्विक है। इसमें आप चाहें तो मिल्क पाउडर की जगह कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और वनीला एसेंस की जगह। अब दूसरी तरफ से भी हो गया, तो इसे एक बार टर्न करके देख लेंगे कि ये अच्छे से बन चुका है, पक चुका है। इसी तरीके से हम सभी डोरा केक जो है बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसी तरीके से भी डोरा केक को सर्व कर सकते हैं, या इसे थोड़ा सा और स्वादिष्ट बनाने के लिए बच्चों के लिए हम इसमें लगा देंगे मेल्टेड चॉकलेट। तो यहाँ पर हमने जो मेल्टेड चॉकलेट लिया है वो फ्रूट एंड नट लिया है, तो थोड़े से नट्स भी आए हैं इसमें। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये कर सकते हैं, चाहें तो बिना इसके भी सर्व कर सकते हैं, हनी के साथ सर्व कर सकते हैं, न्यूटेला के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बहुत सारी टॉपिंग्स के ऑप्शन हैं, एज़ पर योर चाइल्ड्स चॉइस आप कर सकते हैं इसे सर्व। और इसके ऊपर हम एक और डोरा केक रख देंगे और अब हम इसे करेंगे सेंटर में से कट। आप चाहें तो इसके 4 पीस कर सकते हैं और चाहे तो इसी तरीके से हाफ कट करके भी सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, आपने अपने बच्चों को चिल्ड्रंस डे पे ये रेसिपी बना के खिलाई या नहीं, उन्हें कितनी पसंद आई। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल जस्ट कुक इट को सब्सक्राइब करें, और ताकि हमारा कोई भी वीडियो जो है मिस ना हो जाए तो इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। और आप चाहें तो इसे इस तरीके से हर्शी सिरप के साथ भी सर्व कर सकते हैं।